पैदा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये उनका हक अदा करना चाहिए या आपको उनसे मुतालिफ करवा दूँ। यूसुफ साहब से मुतालिक मेरा एक मजमून है, वो ज़रा सा तवील है, थोड़ा सा सतील भी हो सकता है। अगर कभी मुझे महसूस हुआ कि आई गॉट योर अटेंशन तो मैं आपको सुना दूंगा। इस वक्त मैं आपको एक और मजमून सुना देता, कुत्ते सुना दूँ। कुत्ते लेकिन आप अपने फारे औकात में काइंडली यूसुफ साहब का ज़रूर काम देखिए, ज़रूर पढ़िएगा, आप बे इंतहा महसूस होंगे। और वो आदमी ऐसे हैं कि उनकी गिरफ्त जो अंग्रेजी लिटरेचर पे, आप दंग रहे हैं, यानी आप उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू में जितना वो आपको अंग्रेजी अदब से मुतारिफ करवा जाएंगे, जितना सियासत ज्योग्राफी और तहजीब से मुतारिफ करवा जाएंगे, तो एहसान है लोग हमारे ऊपर। ज़रूर देखिए ये मजमून है कुत्ते कुत्ते। ओके, कुत्तों से मुतालिक कुछ कहते खौफ आता है, इसलिए नहीं कि वो भौंकना कम और काटना ज्यादा कर देंगे, बल्कि इसलिए कि कुत्तों के बारे में जो कहा जा सकता था वो पितरस बुखारी और बुल्ले शाह पहले ही कह चुके हैं। ताहम कुत्तों के अशगाल और शायर के बारे में बैनुल अक्वामी, इलाकाई और मकामी जबानों ने जिस तरह से फिक्र और तनव्वु तबा का मुजाहरा किया है, उसकी अक्कासी की शायद कुछ गुंजाइश निकल दी। कुत्तों से मुतालिक मुहावरों पर नजर डालें तो महज फारसी और उर्दू ही नहीं बल्कि अंग्रेजी जैसी भीगी बिल्ली जबान भी उड़ाती सुनाई देती। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, घाट की जगह अब लाउंड्री ने ले ली, मगर अब यहां कपड़े नहीं पैसे धुलते, धोबी की जगह बैंकार ने ले ली, कुत्ते की जगह किसने ली है इसका फैसला आप धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, घाट की जगह लाउंड्री ने ले ली है, मगर अब यहाँ कपड़े नहीं पैसे मिलते हैं, धोबी की जगह बैंकार ने ले ली है, कुत्ते की जगह किसने ली है इंसान ने। आप खुद फरमाइए।